Number eighteen, Virat Kohli. <laughs> only thing that was not the bowler, not the pitch, not the ground, not the dimensions, not कहाँ पे मारना है, कैसे मारना है, दो छक्के मारने हैं, बस. Firstly, uh, a big, a big thank you um, to all the people turning up in the stadium and what we saw on the streets tonight. आज जिस खिलाड़ी के बारे में हम बात करने लगे हैं उसका नाम है विराट कोहली विराट कोहली बिलाशबा दुनिया के जीम तरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है इंडिया की तरफ से वो खेलते हैं और क्या जबरदस्त वो खिलाड़ी है और क्या उसका इम्पैक्ट है क्रिकेट के ऊपर और उसकी नाकबली यकीन जो कामयाबियाँ हैं और किस तरह उसने दूसरे क्रिकेट के खिलाड़ियों जैसे सचिन तेंडुलकर है रोहित शर्मा है स्टीव स्मिथ है इस तरह के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं किस तरह से उनके दौर में रहते हुए या विलियमसन है केन विलियमसन ये उसने अपना एक नाम बनाया और अपना एक मकाम बनाया और लाशा अगर हम इस वक्त इस दौर के किसी खिलाड़ी का करें मुजना किसी भी दूसरे खिलाड़ी के साथ और कहें कि यार ये इस अजीम खिलाड़ी जैसा है तो वो नाम जो पहला नाम आता है वो विराट कोहली के आता है कि वाट कोहली इज़ वन ऑफ़ दोज़ फैन टेस्टिक बैट्समैन जिन्होंने इम्पैक्ट किया है ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को बल्कि वनडे क्रिकेट को और और टी ट्वेंटी को भी उसने इम्पैक्ट किया है और उसके रिकॉर्ड ऐसे हैं कि आप किसी और के साथ उसका मुआजन नहीं कर सकते विराट कोहली जो है वो उन्नीस सौ अठासी को दिल्ली में पैदा हुआ ये मैं एक कोलाज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि विराट कोहली की जब वो एक साल का था नाइनटीन एटी नाइन से लेके तो 2024 तक की जो पिक्चर्स हैं वो शेयर हैं इसमें और ख़ूबसूरत जर्नी है फ्रॉम ए वेरी यंग चाइल्ड इन दिल्ली टू तो बिकमिंग ए सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन क्रिकेटर को इस वक्त सेलिब्रेट किया जाता है अगर मैं 2024 की बात करूं तो उनमें से एक विराट कोहली राइटली सो उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें की हैं सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं क्या को अभी रिसेंट ईयर्स में उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही 2023 जो वर्ल्ड कप था क्रिकेट वर्ल्ड कप उसमें अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है लेकिन वो फाइनल में जाने के बावजूद ना जीत सके 2024 का जो टी वर्ल्ड कप था उसमें विराट कोहली की जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फाइनल में अगर वो खड़ा ना होता और अगर वो स्कोर ना करता तो डिफेंडेबल स्कोर इंडिया बना ही नहीं सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आ, दे आर एबल टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप जो कि बिलाष भाई एक बहुत ही अजीम जो दो खिलाड़ी थे इंडिया की टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली उन दोनों के लिए एक बहुत ही फिटिंग ट्रिब्यूट था कि उनका एंड ऑफ करियर हुआ है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में और वो एंड हुआ है विद ए बिग विन विद ए ह्यूज विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल विराट कोहली के बगैर वो फाइनल की जीत मुमकिन ही नहीं थी क्योंकि वो सारी की सारी टीम तो आउट हो गई थी पहले आ, वो सिर्फ खड़ा रहा है और उसने साथ साथ दूसरे भी खिलाड़ियों को स्कोर करवाया और इनक्रेडिबल वो जो वर्ल्ड कप की विन वो रिसेंट भी है और इनक्रेडिबल भी है इन ऑल एस्पेक्ट्स और बड़ी बड़ी उसकी जो इनिंग थी अपनी विराट की बैटिंग में दैट इज़ अनफर्गेटबल तो ये तो है थोड़ा सा इंट्रो उसका अगर हम उसके बचपन में जाएँ तो वो बचपन में दिल्ली की गलियों में खेलता रहा और ग्राउंड में खेलता रहा उसकी अपनी जो स्टोरी है वो कोई इतनी वो ये नहीं है कि ही ऑलवेज़ वाज ऑन द बैड ऑफ रोजेज़ और ऑलवेज वाज विद स्पून उसका वालद बड़ी यंग एज में उसकी वो वफात पा गए और ड्यू टू तो डिप्रेशन आया ड्यू टू तो आप जो भी कह लें वो उसने अपनी स्टोरी कई बार बताई हुई है कि उसका वालद जो है वो शेयर ट्रेडिंग करता था और वो लॉस हो गया बहुत ज़्यादा दो हज़ार छः दो हज़ार सात में तो उसकी वजह से वो मतलब उसको स्ट्रोक हुआ और वो, वो फोत हो गया जो और जिस दिन ये फोत हुआ है उस दिन विराट कोहली आफ्टर नोइंग उसका वालद फोत हो गया उसके बावजूद वो मैच खेलने के लिए गया है क्योंकि उसका वालद बिलीव करता था कि ही नीड्स टू गो और उसके बाद जब वो फ़ाइनल उसने रसूमत की हैं तो फिर उसके भाई भाई को उसने कहा है कि मैंने इस गेम में सबसे ऊपर लेवल पर जाना है मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं है वो उसके बाद फिर वो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा तो उसकी वजह ये थी कि वो फायर इतनी स्ट्रांग थी विराट कोहली के अंदर कि उसने वो सारी, सारी आसल की सारी अचीवमेंट हासिल की हैं जो कि बाद में कोई भी क्रिकेटर जो है वो उस पर फखर कर सकता है और स्पेशली एक ऐसे दौर में डेब्यू करना है जब सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट और वो पूरी दुनिया में छाया हुआ था बंदा तो उसमें आना और अपना एक मार्क बनाना वो एक इनक्रेडिबल था जब ये इसने डेब्यू किया है पहले तो इसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया की टीम ने जीता था उसके बाद जब ये डेब्यू किया इसने इंडिया की तरफ से 2008 में तो ये मसलसल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा है इसने इसने बड़ी रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है शुरू और लेकिन जो मुझे ऐज एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन और जो इंडिया की क्रिकेट को वो ज़ाहिर है हम लोग पसंद करते हैं विराट कोहली को सचिन टेंडुलकर को या इंद्रा सिंह धोनी को जो मेरी जो सोच में या याद में है एक इनक्रेडिबल हम लोग सचिन टेंडुलकर के बारे में कहते थे कि सचिन टेंडुलकर जो है वो जान नहीं छोड़ता पाकिस्तानी टीम की किसी भी और टीम के खिलाफ वो परफॉर्म ना करें पाकिस्तान की टीम के खिलाफ मस्ट परफॉर्म करता वो था कि वो चूँकि उसका कैरियर एंड हो रहा था तो उसके बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो कि खड़ा होकर खेल सकता तो एशिया कप जो 2012 में हो रहा था उसमें मुझे याद है अभी तक कि पाकिस्तानी टीम ने तीन सौ उनतीस रन बनाए थे और नहीं था कि पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी सिंगल हैंडेडली वो जीत जाएंगे मैच लेकिन विराट कोहली ने आके ऐसी बैटिंग की और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का उसने स्कोर किया सेंचुरी की वन एटी थ्री बनाया वन फोर्टी Kohli off the mark and India off the mark. Kohli also has got 100 and then uh, 60. Looking for a couple here. Two was the call and they'll come back for two. Two is the call. That's beautifully struck. Shima is not as, as athletic uh, some of the other fielders. That's gone all the way. Afridi is being hurt here. 10 from the over so far. Not just 100 is making a habit of this once he gets off to a start he converts those into hundreds and this one as always he will remember for a long long time he's played exceptionally well in this innings the pressure was on india and Kohli has delivered but he needs to bat till the end innings, maybe just a little bit of a tired shot maybe it was a little slow in coming onto it you can see it was a well-directed short ball trying to play the uh, pull shot once again, skying up in the air. and mahmud afiz, who's batted well, who took that picket up from here of the second ball of the indian innings, completes the catch. ryan comes in and taps with Kohli on the head. there is a standing ovation for him as he walks back to the pavilion. it's a terrific. मुझे अब भी तक याद है वो 2012 का वो दिन के इस ये जो यंग उस वक्त इमर्जिंग क्रिकेटर था इसने अपना मार्क छोड़ा हैविंग लॉट ऑफ लाइक ग्रेट प्लेयर्स इन द टीम उसके बावजूद इस इस खिलाड़ी ने उस मैच में अपना शो कर दिया था कि मेरे में भी वो सारी की सारी साहितें मौजूद हैं जो किसी भी अजीम खिलाड़ी के अंदर होती हैं और उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा वो वो मैच था जिसमें पहली दफ़ा मतलब एज़ ए स्पेक्टेटर मैं कहूँगा कि मैंने नोटिस किया कि यार ये एक बंदा है जिसको जो कि वर्थ वॉचिंग है और उसके बाद जो भी आप ले लें इनिंग्स जो उसने यादगार खेली हैं चाहे वो 2016 का वर्ल्ड कप है जो टी का वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसने इनिंग खेली है या जो ये मेलबर्न में खेली है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें इंडिया के जीतने के सिर्फ थ्री पॉइंट थे और उधर से ये ड्रैग करके मैच ले गया थर्टी वन फॉर फोर थे इंडिया और सोलहवें ओवर तक इंडिया के जीतने के कोई चांसेस नहीं थे हालांकि चार ही विकटें गिरी थी उस वक्त तक और हार्दिक पांड्या और ये खेल रहे थे लेकिन जीतने का कोई चांस नहीं था लेकिन इसने जो दो छक्के पेले उसको हारस राउफ़ को देवर इनक्रेडिबल वो जो पहला छक्का था वो तो किसी सूरत में उस बाल पे छक्का हो ही नहीं सकता था वो बालें तो वो बीट करवा रहा था क्योंकि वो गुड लाइन से बाल उठ के आई थी और वो काफ़ी वो मेलबर्न की जो पिच है उससे वो मिलती थी एक स्प्रिंग भी मिलती थी और हाइट मिलती थी बाल को तो बाल इतनी हाइट पे और उसको सीधा पीछे उठा के मारना वो जब हम लोग देख भी रहे थे लाइव तो उस वक्त यही था कि ये कैचआउट हो जाएगा और पाकिस्तान मैच जीतेगा लेकिन नहीं वो छक्का हुआ और छक्का भी काफ़ी डिस्टेंस हुआ अगली बॉल जो थी उसने लेग के ऊपर स्कूप मार के वो तो पक्का छक्का था क्योंकि वो तो एक ऐसी बॉल थी जो कि हारस रउफ ने अंडर प्रेशर गलत बॉल करवाई थी और इतनी गलत भी नहीं थी लेकिन बना के खेला उसने विराट कोहली ने तो उसने अपना इंटरव्यू भी जो दिया है उसमें यही कहा है उसने उसने कहा है कि वो मुझे ये नहीं था कि मैंने छक्के कौन सी बॉल आएगी मुझे और मैंने उसको किस किस तरह खेलना है मेरे जहन में ये था कि ये, था कि ये दो बॉलें हैं मैंने इन पर दो छक्के मारने मारने हैं क्योंकि अगर वो दो छक्के ना लगते आखिरी ओवर में सोलह रन चाहिए थे इंडिया को जो कि फिर अचीवेबल हो गया था अगर वो दो छक्के ना लगते बारह रन आप करें तो वो अठाईस रन होते तो वो कभी भी नहीं बन सकते नौ ओवरों में नौ बालों पर इसी तरह अट्ठाईस रन भी चाहिए थे जो कि आठ बॉलों पर सॉरी नौ बाल में उनतीस रन चाहिए और वो स्ट्रगल कर रहा था हार्दिक पांड्या भी स्ट्रगल कर रहा था वो कोई शार्ट उससे ये नहीं है कि वो लग रही थी कोई इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे तो जो कट टू करते हैं कि जो कोहली के थोड़े से रिकॉर्ड्स हैं कोहली इस वक्त वनडे में इंडिया की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है जो कि 52 गेंदों पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसने जयपुर में बनाई थी 2013 में ये बाद में बनाई थी जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाया इसने मारा था ना जो मार्क छोड़ा था उसके बाद की ये इनिंग है जयपुर में और वनडे में जो दस हज़ार रन हैं सबसे ज़्यादा तेज़ रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली है अचीवमेंट है इसने सिर्फ और सिर्फ दो सौ इनिंग्स इन, इन में हासिल की है जो कि सचिन तेंडुलकर जो रिकॉर्ड था उसको बहुत हाद तक उसने पीछे छोड़ दिया उसमें उसके बाद अगर हम इसकी सक्सेस पे देखें तो जो रन चेज़ में बड़ी स्कोर करता है उसको हमेशा रेट हाई किया जाता है हमारी तरफ से जो यूनस खान है उसको बहुत ज़्यादा हाई किया जाता है क्योंकि वो रन चेज़ में बहुत ज़्यादा मारता था इसने जितने भी स्कोर किए हैं या जो भी आप इसके हाई स्कोर उठा के देख लें मैन ऑफ द मैचेस उठा के देख लें वो सारे के सारे रन चेज़ में दैट इज़ एन इनक्रेडिबल थिंग क्योंकि रन चेज़ में क्या होता है कि आपका प्रेशर होता है प्रेशर में आपको बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसको कंटेन करके लेके जाएँ और जिता दें जो ये मेलबर्न में भी हुआ था ये ड्रैग कर रहे थे ये मतलब स्लो खेल रहे थे और लेकिन ये है कि विराट कोहली जब तक आउट नहीं हुआ तो दोनों तरफ पता था पाकिस्तान के जो शायक है उनको भी पता था और इंडिया के भी जो शायक है उनको भी पता था कि ये किसी भी मरल पर विराट कोहली ले जाएगा मैच को और वो ले गया तो जो चेज में इसकी है कामयाबी वो वो इनक्रेडिबल है जो इसकी सेंचुरी हैं जो रन चेज में इसने बनाई है विराट कोहली ने वो इसने 26 सेंचुरी बनाई हैं वनडे रन चेज में जो कि किसी भी प्लेयर की तरफ से सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं फिर उसके बाद इसका जो विराट कोहली का था वो हैरान फार्चुनेट था जो उसने वर्ल्ड कप में एक में कैप कैप्टेंसी की थी और हार के थे न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सेमीफाइनल में लेकिन जो इसकी कैप्टेंसी थी वो भी बहुत अच्छी थी वो कोई इतनी ये नहीं थी कि माठी कैप्टेंसी थी बहुत अच्छा कप्तान ये था विराट कोहली इसी की कप्तानी में यही इसी ने रिकॉर्ड बनाया था जो 2018-19 में ये इधर ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम आई थी और आके पहला मैच बड़ी बुरी तरह हार गए थे लेकिन उसके बावजूद इन, इन्होंने सीरीज़ वो जीती थी टेस्ट सीरीज़ जीती थी इंडिया ने उस वक्त पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था वो इसी के कप्तानी में विराट कोहली की कप्तानी में हराया था तो दैट्स तो देट इनक्रेडिबल अचीवमेंट इन द इन द टेस्ट रिकॉर्ड सो तो ही इज़ वन ऑफ द मतलब जो सक्सेसफुल कैप्टन हैं इंडिया के वो हैं यही नहीं है ये पहला इंडियन कप्तान बना था जिसने टेस्ट सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ में और में और साउथ अफ्रीका में भी जाके जीती थी अगर कोई ये कहता है कि ये कैप्टेंसी इसकी कोई कम थी तो वो बहुत गलत है क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द तो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन, इन इन इंडिया बेशक याद ना रखा जाए वनडे और टी ट्वेंटी की कैप्टेंसी की वजह से लेकिन टेस्ट सीरीज़ की कप, टेस्ट की कैप्टेंसी ही असल कैप्टेंसी होती है जो कि जिससे आप मार्क कर सकते हैं किसी खिलाड़ी की कामयाबी को और उसने उसमें इसने इनक्रेडिबल किया फिर इसके बाद इसके अलावा इसकी कंसिस्टेंसी है जितने भी फॉर्मेट्स हैं आप वन डे का देख लें टेस्ट का देख लें टी ट्वेंटी का देख लें कंसिस्टेंटली इसने परफॉर्म किया है सब में। इसके मतलब जो टेस्ट के रन हैं वो भी आठ हज़ार को टच कर रहे हैं और उसके अलावा जो बारह हज़ार रन हैं इसके बारह हज़ार से ज़्यादा रन हैं ओ डी आइज़ में और टी ट्वेंटी आइज़ में भी इसके तीन हज़ार से ऊपर रनज हैं ये किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई कम अचीवमेंट नहीं है बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये रिकॉर्ड आई की जहाँ तक बात की जाए तो आई में इसकी कोई वो उस तरह से सक्सेस तो नहीं आई कि इसने अपनी टीम को जो रॉयल चैलेंजर बंगलोर है उसको जितवा दिया हो टाइटल या इस तरह की कोई लेकिन जो एज ए बैटर है इसकी हाईएस्ट रन स्कोरर है जो के बैटर के लिए एक बहुत बड़ी बात है 6000 से ज़्यादा इसके रन हैं तो टी ट्वेंटी है उसमें और इसका बड़ा की रोल रहा है ये एप डिविलियर्स के साथ इसकी पार्टनरशिप्स जो हैं वो अभी तक इनिंग्स याद रखने वाली इनिंग्स हैं जो इसने रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की तरफ से खेली हैं जो फिटनेस और लांगिविटी के ऊपर आप बात करते हैं तो कोहली इज़ वन ऑफ द वो क्या कहते हैं पोस्टर चाइल्ड द क्रिकेट फिटनेस इनक्रेडिबल फिटनेस है इसकी बल्कि एक ऐसे दौर में जो जिसमें साथ रोहित शर्मा खेल रहे हैं या दूसरे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनकी तोंदे निकली हुई हैं उसमें विराट कोहली अपने मतलब उसको वो क्या कहते हैं कि सोलेस या जो उसका कंसंट्रेशन है वो आती उससे है फ़िटनेस से और उसने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ और उसकी वजह उसी की वजह से उसकी लांगिविटी है उसी की वजह से वो अपने रन स्कोर कर सकता है और अपनी जो जिधर से एक रन बनना है उधर से वो दो, -दो रन भी बना जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फ़िटनेस की वजह से है। जो उसकी अप्रोच है फिटनेस की तरफ वो किसी भी और खिलाड़ी से टोटली डिफरेंट है इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं जितने भी दिग्गज प्लेयर हैं वो, वो उन सब से डिफरेंट है जो सचिन तेंदुलकर भी था वो भी फिट रहा है लेकिन वो इतना सुपर फिट नहीं था जितना जितना विराट कोहली है इसी तरह अगर आप दूसरे भी जो सक्सेसफुल बैट्समैन हैं वो भी इतने सुपर फिट नहीं हैं जिस तरह ये स्टीव स्मिथ है या केन विलियमसन है ये दे आर फिट बट दे आर दे आर लाइक आई मीन एनी अदर बैट्समैन फिट नाट लाइक like वराट कोहली फिट वराट कोहली प्रॉपर सिक्स पैक और प्रॉपर उसने वो जिम के वो क्लिनप्स कर रहा होता है और वो ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज कर रहा होता है उसकी वीडियोज़ हैं जो कि वो जिम में टाइम स्पेंड करता है और जिस तरह से वो एक्सरसाइज करता है जिस तरह से वो शप्स और ups और जितने भी वो एक्सरसाइजिज करता है वो इनक्रेडिबल हैं अगर हम हिस, हिस्टारिक की इनिंग की तरफ जाएँ तो वो बिलासुबा जो वन एटी थ्री इसने एशिया कप में दो हज़ार बारह में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया था दैट टू माई माइंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक फिफ्टी ओवर गेम्स लेकिन अगर आप टी ट्वेंटी की बात करें तो वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही मेलबर्न में जो उसने मैच खेला था और जितना आया था सेवेंटी प्लस रन किए थे दैट वॉज इनक्रेडिबल हालांकि उसकी और भी इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं उसमें टी ट्वेंटी में लेकिन दैट इनिंग्स इन मेलबर्न वॉज समथिंग फिनिनल क्योंकि वो आपको तकरीब um, उसकी सोलह की या सत्रह की एवरेज से रन चाहिए और फिर आप वो चेज़ कर लें आखिरी दो तीन ओवर में दैट्स इनक्रेडिबल दैट्स दैट्स नॉट नॉट ए स्मॉल फीट टू अचीव उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ जो होबार्ड में इसने दो हज़ार बारह में एक सौ तैंतीस रन किए थे दैट वॉज आल्सो ए फैंटेस्टिक इनिंग्स अगेंस्ट ऑल आर्ड्स इसने जाके वो वो स्कोर किया था फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो सौ चौवन रन जो इसने किए पुणे में दो हज़ार उन्नीस में दैट इनिंग्स इज़ आल्सो रिमार्केबल और अगर आपने नहीं देखी हैं ये इनिंग्स तो ये सारी की सारी तीनों की तीनों इनिंग्स जो फिफ्टी ओवर फर्टी ओवर मैचेस की हैं ये देखने वाली हैं अगर आपने टी ट्वेंटी की देखनी है तो वो जो दो हज़ार सोलह सोलह में इसने की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी और फिर दो हज़ार बाईस में पाकिस्तान के खिलाफ ये दो इनिंग्स इनक्रेडिबल इनिंग्स हैं दोनों में सेवेंटी प्लस इसने स्कोर किया और दोनों में उसने जितवाया था इंडिया को अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें तो कोहली जो है वो ही हैज़ बिन इन्वाल्व इन सम ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप्स इसने तीन सौ इकतीस रन की पार्टनरशिप की थी जंकिया रैना के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 में और एक दो रन की पार्टनरशिप की थी एम एस धोनी के साथ इंग्लैंड के खिलाफ 2017 में ये दोनों पार्टनरशिप्स यानी दो सौ रन की और तीन सौ इकतीस रन की ये किसी भी आप टीम की टेस्ट क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है उसमें बेस्ट पार्टनरशिप्स में से अगर आप इनको कंपेयर करें तो लेकिन इसने और भी जो खिलाड़ी हैं यानी धोनी के साथ तो है ही है लेकिन और भी खिलाड़ी खिलाड़ियों के साथ इसकी बहुत ही शानदार पार्टनरशिप्स हैं रोहित शर्मा के साथ इसकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हैं लेकिन जो ये टेस्ट मैंने की मैंने कंपेयर की हैं फ़िफ्टी फिफ्टी की और टी ट्वेंटी की इसकी लातदाद पार्टनरशिप्स हैं बहुत से खिलाड़ियों के साथ हार्दिक पांड्या है रोहित शर्मा है और भी खिलाड़ी हैं जिनके जिनके साथ इसने पार्टनरशिप्स की हुई हैं के एल राहुल है अगर हम सोशल इम्पैक्ट का इसका देखें विराट कोहली का तो वो भी एक, एक इम्पैक्ट है जो कि इसने किया है और ये क्रिकेट के अलावा है इसने अपनी फाउंडेशन के जरिए जो बच्चे हैं जो कि अंडर प्रिवरेज बच्चे हैं उनके लिए जो काम किया और जो उनकी दूसरे जो गेम्स हैं उन उनमें जाके जिस तरह से ये करता है उनको नुमायाँ करने की कोशिश करता है क्रिकेट के अलावा दैट्स इनक्रेडिबल वो कोई भी और क्रिकेटर इस तरह से नहीं कर सका जिस तरह से कोहली ने किया है एट एट ए आई मीन सोशल लेवल तो ये कामयाबी जो है वो सिर्फ कोहली की इनफरादी इमारत को नुमाया नहीं करती बल्कि इसकी क्यादत और टीम को जो इसने नई वो कहते हैं ना बुलंदी पर लेके जाने की सलाहियत को भी जाहिर करती है इसके रिकॉर्ड और जो संगे मील हैं वो अभी रहते हैं टी ट्वेंटी में तो इसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अभी भी ये, ये और भी रिकॉर्ड्स अचीव करेगा और और भी ज़्यादा ये उबर के सामने आएगा और जो क्रिकेट है एज एज ए गेम उसके ऊपर जो इसके कोहली की छाप है दैट विल बी ऑलवेज़ देयर जिस तरह से सुनील गवास्कर की है या सचिन तेंदुलकर की है इसी तरह विराट कोहली विल बी देयर इन द हिस्ट्री बुक्स ऑलवेज अब आ जाते हैं जो थोड़े से कंपेरिजन करते हैं लोग ना कोहली के डिफरेंट खिलाड़ियों के साथ सबसे पहले जो कंपैरिजन करते हैं वो करते हैं बाबर अजम के साथ जो कि टोटली अनफेयर है क्योंकि बाबर अजम एक उबरता हुआ खिलाड़ी है उसको आप ये कह सकते हैं कि बाबर अजम इज़ द राइजिंग स्टार और ही विल बी वन डे लाइक विराट कोहली या उसके रिकॉर्ड्स बनाएगा या इस तरह करेगा वो भी लग नहीं रहा क्योंकि जो विराट कोहली ने किया हुआ है या जो जितने मैचेस बाबर ने खेले हैं अगर आप उतने पहले मैचेस का रिकॉर्ड निकाल के विराट कोहली का देखें तो वो कम्पेरेबल तो है लेकिन विराट कोहली कहीं आगे है उससे बाबर आजम से और वो उसकी सेंचरीज भी ज़्यादा हैं एवरेज भी ज़्यादा है एवरी थिंग इज़ मोर टी ट्वेंटी में हो सकता है कि जो ये बाबर आजम है ये थोड़ा सा आगे चला जाए उससे विराट कोहली से लेकिन जो जिस तरह से वो होता है ना कि एक खिलाड़ी का असर होता है गेम के ऊपर वो बाबर आजम का नहीं है अभी तक उस उतना जितना कि विराट कोहली का है विराट कोहली ने तो सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हुए हैं इंडिया को और बा, बाबर आजम ने अभी वो करना है अभी वो करके दिखाना है वो कर लेगा इनशाला लेकिन अभी कहना कि बाबर अजम और विराट कोहली का कंपेरिजन वो दैट्स टोटली अनफेयर जो विराट कोहली की कंसिस्टेंसी है वो इतने अरसे से जितवा रहा है और ही इज़ एन एस्टैब्लिश्ड लेजेंड क्योंकि उसका पहले खिलाड़ियों को होता था स्टीव स्मिथ के साथ केन विलियमसन के साथ जो रूट के साथ और अब उसका होता है नेक्स्ट जनरेशन जो है जिस तरह शुभमन गिल है या बाबर आजम है इन इन खिलाड़ियों के साथ तो वो और बाबर अजम में वो सलाहियत भी नहीं है कि वो वो उस तरह से खड़ा हो कि मैच जितवाए जिस तरह से विराट कोहली जितवाता है हो सकता है एक दिन वो डेवलप हो जाए लेकिन ये पहले दिन से थी विराट कोहली में जब वो 183 इसने किया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ये नहीं था कि ये इस्टेब्लिश प्लेयर था ही वॉज़ ए यंग प्लेयर तो ये थोड़ा अनफेयर है <laughs> वो दोनों की अपनी अपनी क्लास है बाबर अजम बहुत अच्छा खिलाड़ी तो बाबर अजम और उसका कोहली का बनता नहीं है करना का मुजना क्योंकि बाबर अजम की अपनी एक क्लास है वो अच्छा खिलाड़ी है लेकिन जितनी जो फीट्स उसने अचीव किए हुए हैं कोहली ने वो बाबर अजम उसका अशर्य शीर भी नहीं कर सका अभी तक वो अभी तक कुछ भी नहीं कर सका जिससे आप कंपेयर कर सकें उसको कोहली के ख़िलाफ़ अब ये हमारे करते हैं बूबजी द किंग बूबजी द किंग बू, बूबजी इज़ नॉट द किंग, बू, किंग। <laughs> वो हो सकता है बन जाए एक दिन वो करता रहे बैटिंग और वो हो सकता है उस क्लास पे पहुंच जाए जिस क्लास पे कभी इंजमाम था या जिस क्लास पे अभी विराट कोहली है लेकिन अभी ही इज़ ए यंग प्लेयर ही इज़ ए गुड player. ही इज़ ए गुड potential प्लेयर लेकिन वो जिस तरह से अपने आपको मोटा करता जा रहा है और जिस तरह से वो मगरूर होता जा रहा है या जिस तरह से वो कर रहा है आई डोंट थिंक दट ही विल भी एबल टू अचीव ऑल देट क्योंकि वो उसके लिए आपको सर जो कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ती है और वो क्रिकेट है क्रिकेट आप खेलते रहें तो वो क्रिकेट आपको कहीं का कहीं ले जाएगा लेकिन अगर आप आ, मतलब उसके ऊपर अगर आप कर जाएँ कम्प्रोमाइज़ जो कि थोड़ा सा हो रहा है बाबर की तरफ से तो वो फिर आप नहीं हो सकते तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है लेकिन वो एक दिन हो सकता है कि बाबर उतनी वो क्लास अचीव कर ले इतन, उतना वो हो जाए उसके बाद आता है रोहित शर्मा का रोहित शर्मा के साथ थोड़ा सा अनफेयर है कंपैरिजन करना क्योंकि रोहित शर्मा की अपनी एक क्लास है एलिगेंट बैट्समैन है मारता है तो खूबसूरत मारता है शुरू से आता है और आते ही वो डोमिनेट करता है दूसरी टीम के ऊपर और वो जब होता है तो वो नजर आता है कि वो सुकून के साथ खेल रहा है लगता ही नहीं है कि वो मार रहा है लेकिन हालांकि वो छक्के मार रहा होता है और एग्रेसिव है यानी वो लेज़ी एग्रेशन है कि आता तो वो लेज़ी है लेकिन वो मारता है बहुत ज़्यादा तो वो कोहली के साथ मिल के उसने ऐसे फीट्स अचीव किए हैं जो कि अनअचिवेबल थे जिस तरह के जो 2023 का वर्ल्ड कप है उसके फाइनल में गए हैं फिर उसके बाद अभी जो 2024 का वर्ल्ड कप है उसमें जीते हैं वो दोनों की कोल के लिए वो जो जीत थी वो बड़ी मेहनत रखती है वो दे वार द लेजेंड्स ऑफ द कंट्री और अगर वो जीते हैं और जीत के रिटायर हुए हैं दैट्स एन इनक्रेडिबल थिंग कोई भी जो खिलाड़ी है उसका जो सेंड ऑफ़ है वो इतना ही एक्सलेंट होना चाहिए जितना इन दोनों का हुआ है उसके बाद अगर आप आ जाएँ जो सबसे फेवरेट कंपेरिजन है सचिन टेंडुलकर के साथ सचिन टेंडुलकर का आप ये कह सकते हैं कि कोहली जो है वो सचिन टेंडुलकर की उसने विरासत ली है कि जो क्रिकेट में वो कर रहा था वो कोहली ने करना शुरू किया जब शुरू में जब सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा ना जब उसका कैरियर का अहतमाम हो रहा था कि तुम तो गार्ड ऑफ क्रिकेट हो तुम एक कौन सा ऐसा खिलाड़ी लगता है जो कि रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो उस वक्त ये बैठा हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो जिधर भी वो तकरीब हो रही थी तो इसने इशारा करके सचिन ने कहा था कि ये विराट कोहली मुझे लगता है कि मेरे रिकॉर्ड तोड़ेगा और उसने बिल्कुल सही कहा था इसके अंदर वो फायर थी विराट कोहली के अंदर शुरू से कि ही कुड हैव डन दैट एंड ही हैज़ डन दैट ही हैज़ डन फैंटेस्टिकली वेल थ्रू आउट हिज करियर और जो सचिन है वो उसने उसके अपने दौर के अपने चैलेंजेस थे उसके दौर में विकटें मुश्किल थी बॉलर मुश्किल थे बॉलर वो थे वेस्ट इंडीज़ के दूष किस्म के बॉलर और जो विराट कोहली है उसकी दौर के अपने चैलेंजेस हैं कि इधर रान बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जो टेक्निक है उसका है तो सही लेकिन वो इतना अम्रदहल रहा रह नहीं है वो विकटें फ्लैट हो गई हैं और उसके बाद बल्ले बड़े हो गए हैं और जो रूल्स हैं क्रिकेट के वो सारे के सारे बैट्समैन के हक में टिल्ट हो गए हुए हैं तो वो इस दौर में बैटिंग करना भी एक चैलेंज ही है लेकिन यह है कि वो आसान है सचिन के दौर की नस्बत तो जिस तरह सचिन था या सुनील गवास्कर का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों अपने अपने दौर के अजीम खिलाड़ी थे इसी तरह विराट कोहली अपने दौर का अजीम खिलाड़ी है जब भी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के ऊपर बात होगी तो इन तीनों का नाम आएगा ही आएगा बैट्स बेस्ट बैट्समैन में यानी सचिन डोलकर सुनील गवास्कर और विराट कोहली तो बहुत ये अनफेयर है तजिया करना या कंपैरिजन करना दोनों का दोनों अपने अपने दौर के खिलाड़ी थे दोनों की ज़माने मैंने देखे हुए हैं और दोनों की बैटिंग देखने के लिए मैं तो दौड़ के हम लोग जाते थे कि सचिन की बैटिंग आ गई है या विराट की बैटिंग आ गई है तो वो दोनों का बनता नहीं है कम्पेरिजन लेकिन फिर भी चले थोड़ा सा कंपेरिज़न हमने ड्रा कर ही लिया है कि दोनों की अपनी अपनी क्लास थी विराट जो आवर, है ऑब्वियसली फिट है और वो फिटर है जब जब इस स्टेज पे सचिन था या सुनील गोस्कर था दोनों से फिटर है और इसके इसके अंदर वो जोश भी ज़्यादा है यानी जिस तरह से ये चढ़ के रहता है दूसरी टीमों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया वाले वगैरह के खिलाफ वो प्रॉपर्टीज सचिन में नहीं थी या सुनील गोवास्कर में नहीं थी लेकिन इसमें हैं इसी तरह सचिन का अगर आप देखते हैं तो जितने ठंडे दिमाग से वो खेलता था वो आप उसमें लैग करते हैं रात में व्रात जोश के साथ खेलता है फिर उसके बाद सुनील गवासकर की इस तरह थी कि वो चला चलाकी के साथ अपनी विकेट जिस तरह से वो सेव करता था शुरू में आके वो विद इन हिज हिजाउन बॉडी भी खेलता था वो दोनों में से किसी के पास भी नहीं थी वो दो, ये दोनों फ्लैशी क्रिकेट क्रिकेटर्स थे सचिन भी और औरत भी तो तीनों का अपना अपना मकान है और तीनों तीन तीनों ग्रेट क्रिकेटर्स थे बल्कि सचिन के बारे में तो डॉन रेड ने भी कहा था कि ये मैं इसकी बैटिंग देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो इनक्रेडिबल था तो ये एक कंपैरिजन था विराट कोहली का डिफरेंट जो हाम रहे हैं या पुराने खिलाड़ी हैं उनके साथ तो ये प्रोफाइल मैंने अभी शुरू की है ये विराट कोहली की थी उसका सफ़र जो दिल्ली के एक छोटे से बच्चे से लेके जो क्रिकेट का एक आइकॉन कॉन बना है वो किस तरह से बनाया है वो सफ़र हमने शेयर किया है फिर उसके बाद उसके पीछे जो वजह थी वो शेयर की हैं कोहली के जो अपना पैशन था गेम के लिए जो उसकी मेहनत थी जो उसकी सालायत थी जो उसकी जो उसका टैलेंट था उसको वो किस तरह से ले के आगे गया है वो दैट इज़ इनक्रेडिबल तो चाहे आप कोहली के वो फैन हों मदाह हों या ना ना हों चाहे आप कोहली के साथ मोहब्बत करें या नफरत करें आप कोहली को नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि कोहली कौन कोहली इज़ द नेम ऑफ मॉडर्न क्रिकेट तो वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कोहली कोहली हैज़ डन फैंटास्टिकली टेस्ट वॉल और उसकी जो छाप है जो क्रिकेट के ऊपर ओवरऑल गेम के ऊपर छाप है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते दैट ही हैज़ डन दैट इनक्रेडिबली वेल और थ्रू अपने जो पैशन है जो सलाहियत है जो उसका वो जज्बा है क्रिकेट के लिए उसके तौर पर किए तो जूँ जूर रिकॉर्ड आगे तोड़ता रहेगा वनडे के भी और टेस्ट के भी अभी मजीद सचिन के भी रिकॉर्ड हैं जो कि उसने तोड़ लिया टेस्ट में पता नहीं तोड़ सकेगा कि नहीं लेकिन यह कि इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू तो वॉच और थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए ये एक विराद की प्रोफाइल थी और इसके अलावा आप जि जिसकी भी प्रोफाइल कहेंगे मैं करूँगा और अपने अंदाज़ से करूँगा यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा जिस तरह से मैंने उनको देखा है क्योंकि मैंने ये नाइन्टीज़ के ज़माने से हम लोग टू थाउजेंड्स के ज़माने से एक्चुअली नाइन्टीज़ के तो हम चिल्ड्रन हैं लेकिन टू थाउजेंड्स के ज़माने से जो क्रिकेट देख रहे हैं वो सारे के सारे एक एक मैच देखा हुआ है तो वो प्रोफाइल देख करके हम कर सकते हैं बल्कि पुराने क्रिकेटर्स की भी कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा तो उनका भी देखा है तो बताएँ मुझे कि आगे किस खिलाड़ी की करनी है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग आप शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियोज़ को और हम मजीद इस तरह की प्रोफाइल्स लेके आते रहेंगे इनशाला थैंक यू बाय